नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। वर्ल्ड कप में देश के एकमात्र अंपायर होंगे इंदौर के नितिन मेनन। शिवाजी का वाक खंजर ब्रिटेन से लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की समिति की जगह नए सीईसी का गठन। कनाडा में खलिस्तानियों को फंडिंग के रास्तों को रोकने की बड़ी तैयारी। रूस पर भारत के रुख से विपक्ष सहमत, राहुल ने कहा। कैबिनेट बैठक आज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नोटिस। मॉब लिंचिंग में मौत पर 10 लाख रुपए मुआवजा देगी मध्य प्रदेश सरकार। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना संभव नहीं। म्यांमार में बीमारी के बावजूद सूकी को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं। उत्तर कोरिया में परमाणु सबरीन लॉन्च, दक्षिण कोरिया को उसकी क्षमता पर शक। मराठा आरक्षण के विरोध में ओबीसी स्टूडेंट फेडरेशन भूख हड़ताल करेगी। मणिपुर में फिर हिंसा भड़की। म्यांमार से सटे जिले में गोलीबारी, एक की मौत। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में 6 साल में किया 50 साल का काम। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की डिवाइस ने मंगल पर बनाई ऑक्सीजन। ऐसे ही बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।